मुझे पैसे तो साफ 2,50,000 की गाड़ी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लाल की कमाई बंद ना करा। मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचाओ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। शेख रशीद अहमद बजट इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो गेट नंबर 1 पर पहले से मौजूद शख्स ने उनका रास्ता रोक लिया। भाई लाख रुपया मेरा जपान दुकान आगे लाली कमाई शेख साहब ने दी है। ए ऑक्शन में नाल गेम ये नहीं के पूछो। शेख रशीद बीच बचाव करते हुए ईवान में चले गए। ताहम खुद को मुस्लिम लीग नून जापान का सदर बताने वाले मलक नूर अवान ने दावा किया कि शेख रशीद ने 1998 में गाड़ी ली लेकिन अभी तक 22 लाख रुपए अदा नहीं किए। लाल हवेली के कई चक्कर काटे, पुलिस भी भिजवाई लेकिन शेख साहिब टस से मस ना हुए। अल्लाह के घर में कह दे कि मैंने मलक नूर अवान के पैसे नहीं देने तो मैं खुदा के लिए मैं इसको पैसे माफ कर सकता। शेख रशीद वाकये की शिकायत करने स्पीकर चैम्बर पहुंचे, जहां से हिदायत मिलते ही मलक नूर अवान को हिरासत में ले लिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगु में शेख रशीद का कहना था उन्हें कुछ होने के जिम्मेदार मियां बरादरान होंगे। ये गुल्लू बैट है नून लीग का और मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे इसका नाम नहीं पता है। मैं सेक्रेटेरिएट थाने में जाकर रिपोर्ट दाखिल करने जा रहा हूं। शेख रशीद अहमद ने थाना सेक्रेटेरिएट में FIR की दरख्वास्त जमा करवा दी है। उनका कहना है पार्लियामेंट हाउस भी महफूज नहीं रहा। उधर मलिक नूर अवान भी इस सवाल का जवाब गोल कर गए कि बिना पास के वो पार्लियामेंट हाउस कैसे पहुंचे।